हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओन प्रॉपर्टीज में। आज ओन प्रॉपर्टीज टीम एक बेहतरीन प्रोजेक्ट दिखाने जा रही है आपको, जो कि है एयरपोर्ट के बहुत ही पास में। अगर आप देखेंगे तो अभी मैं खड़ा यमुना एक्सप्रेस है 0 पॉइंट पे, जहाँ पे यमुना एक्सप्रेस शुरुआत होती है। यहाँ आपका जेवर एयरपोर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है। अगर इस बोर्ड से कनेक्ट करें तो अगले बोर्ड के पास ही हमारा जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ अपने हमारे प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट कितनी दूर है, जो सारी अमेनिटीज है वो कितने दूर पे आ रही है, आपकी सारी चीजें धीरे धीरे आपको करके एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको पूरी। चलते चलते हम आगे हैं आपका 0 पॉइंट से आपका 27 किलोमीटर फलेदवा गढ़ पे। फलेदवा गढ़ से निकल के हम आ गए हैं इस जगह पे। अगर आप मेरे सामने देख पा रहे हो, ये आपका फिल्म सिटी के लिए लैंड है। 1000 एकड़ की जमीन है ये आपका। और हम बात करें मुंबई में आपका जो है 500 एकड़ की जो है फिल्म सिटी है यहाँ पे आपका, जिसका दुगना है बनने वाला है। और इसका जो शिलान्यास है 2021 में हो चुका है, तो आने वाले टाइम में इसकी डेवलपमेंट भी जो स्टार्ट होने जा रही है। प्लस अगर हम जाते हैं इस जगह के बारे में बात करने, कौन सी जगह है ये, सेक्टर 28 और 29 के बीच में हम खड़े हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन शादाब जी देंगे आपको। ये जैसा धीरज जी ने बताया फिल्म सिटी के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन दिए कि सेक्टर 28 से फिल्म सिटी आ रही है, जो कि सेक्टर 28 में आ रहा है। मैं आपको जो होता है फिल्म सिटी के सामने जो होता है राइट साइड में सेक्टर 29 पड़ता है, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये टोटल जो होता है, ये जोन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। इसके अपैरल पार्क आपका आ रहा है, हैंडीक्राफ्ट पार्क आ रहा है, MSME पार्क आ रहा है। और जैसे यहाँ पे फिल्म सिटी जो है प्रपोज्ड है, जैसे कि जी ने बताया है। और फिल्म सिटी के पास ही जो होता है हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क, बहुत बड़ा जो होता है मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स के जितने डिवाइसेस वगैरह जो बाहर से पहले इम्पोर्ट होते थे, वो अब सारी चीज़ें जो होती है यहीं पर बनेगी। तो इससे एक रोज़गार का भी एक अच्छा अवसर जो होता है हम भारतीयों को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड जो है, ये फिल्म सिटी का लगा हुआ है यमुना एक्सप्रेस से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के। ये जो होता है ज़मीन जो होता है करीब 1000 एकड़ में, जो कि प्रपोज्ड है। और इधर पूरे डेवलपमेंट का काम जो होता है ऑलरेडी काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो होता है शुरू होने वाला है, जो कि मतलब होता है ये फिल्म सिटी बन रहा है। तो कि शादाब जी ने बताया कि ये इधर जो है आपका फिल्म सिटी आ रहा है, और ये आपका जो है आपका कमर्शियल जोन है, जहाँ पे आपकी दुकानें वगैरह मॉल वगैरह होंगी। और अंदर जा करके आप देखेंगे तो मेडिकल सेंटर वगैरह सारी चीज़ें जो आपको अंदर देखने को मिलेगी। तो ये सेक्टर आपका जो है 28 है इस तरफ, और सेक्टर 29 इस तरफ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सामने देख सकते हैं, और बिल्कुल हमारे इस प्रोजेक्ट के सामने यमुना एक्सप्रेस वे है आपका कर लिया है। तो चलते हैं जेवर एयरपोर्ट की तरफ, और जेवर एयरपोर्ट के बाद हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट की साइड। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया फिल्म सिटी कहाँ आ रही है, आपका कमर्शियल जोन कहाँ आ रहा है। तो वहाँ चल चलते हम आ गए हैं आपका एक्चुअल एयरपोर्ट के पास, जो कि आपका नोएडा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उसी के पास हम खड़े, ये हमारे पीछे देख सकते हैं उसका काम चल रहा है। और जो ये आप सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर जो हमारे दिल्ली से DMI से कनेक्ट हो रहा है, उससे कनेक्ट किया जाएगा। और अगर हम अपने यहाँ से प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है अभी के टाइम पे, आने वाले टाइम वो घट के 3 किलोमीटर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और इस एयरपोर्ट से हमारा जो प्रोजेक्ट है में फ्लाइट शुरू होने वाली है, यहाँ से दो रनवे चालू होने वाला है। अगर हम इस एयरपोर्ट की बात करें तो 2024 के लास्ट सितंबर तक जो है फ्लाइट जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हम अपने प्रोजेक्ट पर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, हम यमुना एक्सप्रेसवे से फिल्म सिटी होते हुए एयरपोर्ट के पास से हम आ गए हैं अपने सोसाइटी में। ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है आपका बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट से मात्र और मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस सोसाइटी की एक खास बात है कि आपको गेटेड सोसाइटी मिलता है। गेट अगर आप चाहते हैं देखना, सामने आप देख सकते हैं गेट लगा हुआ है। और ये जो गेट से लगे हुए आप रोड पर जिसपे खड़े हैं, ये आपका 40 फीट का रोड है। और मेरे सामने ही आप देख रहे होंगे बिजली के खंभे लगे हुए हैं। तो इस सोसाइटी के अंदर आपको बिजली के खंभे मिल रहे हैं। प्लस अगर आप इधर की बात करें तो यहाँ आपको सीवर भी लगा हुआ मिल रहा है। और रोड जो आपका पक्का मिल रहा है। इस सोसाइटी के अंदर आपको कम्युनिटी सेंटर में देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े प्लॉट्स हैं यहाँ पर आपके, और पूरी ग्रीनरी रहेगा और पूरी डेवलपमेंट के साथ आपको ये सोसाइटी हैंडओवर किया जाएगा। और बहुत ही खास बात यह है कि ये सोसाइटी जो है आपका जेवर एयरपोर्ट के पास है। अगर आप चाहे तो मैं मेट्रो ये मास्टर प्लान 2041 का जो है उसमें आपको क्लियर करता हूँ कहाँ आपका एयरपोर्ट है और कहाँ पे हम जो है अभी खड़े हैं। अगर आप देख पा रहे हैं जो आपको ये आपका एक ये है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने ही हमारा है ये सोसाइटी। ये है आपका प्रेसिडियम एम्पायर। और अगर हम सेक्टर 21 की बात करें, 21 में आपका जो है फिल्म सिटी आ रहा है, और सेक्टर जो है आपका 28 में जो है आपका पूरा कमर्शियल एरिया आ रहा है। तो इस सोसाइटी के ये सोसाइटी के आसपास अगर हम 2 से 5 किलोमीटर की दूरी में बात करें तो आपका फिल्म सिटी है, एयरपोर्ट है, और आपका DMIC जो है आपका हमारे इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास से गुजर रहा है। ISBT भी जो होता है, बहुत बड़ा ISBT जो होता है, देखा जाए तो हमारे साइट से मुश्किल से जो होता है 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ISBT है। और ये आप साइट ऑफिस देख सकते हैं, ऑलरेडी कंपनी ने साइट ऑफिस बना रखी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन जो होता है हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे इन यूज़र को मिल सकता है। और जो रेट अभी आपको मिल रही है आने वाले टाइम में, ये रेट जो होता है काफ़ी अच्छा जो होता है, इसका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने प्लॉट की जो साइजेस निकाल रखी है वो 100 स्क्वायर यार्ड से जो होता है। आप ये देख सकते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट का जो है लेआउट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमने एंट्री लिया है। ये हमारा मेन जो रोड है 40 फीट का दिख रहा है। इसे सामने की अगर हम प्लॉट साइज की बात करें 296 गज का प्लॉट है। अगर कोने की बात करें तो हमारे 187 गज के प्लॉट से बाकी 100 गज से हमारा प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाता है। और आपका जो है 500-1000 गज तक के साइज आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम रेट्स की बात करें यहाँ पर, तो रेट्स आपको जो मिल रहा है यहाँ 20,000 रुपये पर गज से स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं इस जगह पे लेना और बजट नहीं बन पाया तो बैंक लोन भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो होता है, मैं आपको एक ख़ास चीज़ इसका USP में बता दूँ कि ये जो लैंड है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हरियाणा गवर्नमेंट की लैंड आती है और हरियाणा गवर्नमेंट से NOC है इस लैंड की, और आबादी में दर्ज है। तो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल सेफ जोन में जो होता है आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप जो लैंड ले रहे हैं, आप जो प्लॉट ले रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है। आने वाले टाइम में किसी तरह की कोई दिक्कतें आपको नहीं आने वाली। और बिल्कुल सेफ लैंड पे जो है बैंक जो है आपको लोन देती है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं अगर यहाँ पे बैंक जो है आपको लोन दे रही है तो कितनी सेफ एंड सिक्योर लैंड है आपकी ये। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारी साइट विजिट बिल्कुल फ्री है, और पूरे दिल्ली NCR से आप जो है कैब अपने पास अवेलेबल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।